करना क्या है कि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले करूंगी, ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको केवल वीडियो को पॉज कर लेना है 1 मिनट के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, हो जाए ठीक है, ना हो पाए तो मैं सॉल्व करा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन का मेंशन करके रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ये क्लास लाइव क्लास अगर नहीं है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हर एक स्टेटमेंट को आपको प्रॉपर जस्टिफाई कर दूंगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आपको सिंपली करना क्या है, मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर दीजिए वो क्वेश्चन, तो मैं आपको वहां भी सॉल्व करा दूंगी। एंड आई अगेन रिपीटेड, ये 2010 से लेके 2023, मतलब 2010 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन है। उसके पहले के भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको सॉल्व करना है, कोई नहीं बन पा रहा है, तो वो भी आप मुझे भेज दीजिएगा। यहाँ पर मैंने टोटल 14 ईयर के क्वेश्चन मेंशन करे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2010 में पूछा गया था, तो पहले आप जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर ना हो तो फिर मैं इसको करती हूँ। ठीक, तो मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपके पेप्टाइड हार्मोन है, ये एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है, वहां से ये पूछा गया है कि जो आपके पेप्टाइड हार्मोन है, जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन है, वो ज्यादा समय लेते हैं, मतलब जो आपके स्टीरॉयड हार्मोन है कंपेयर टू पेप्टाइड हार्मोन ज्यादा समय लेते हैं टू एक्टिवेट सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज, तो इसका क्या रीजन है। ठीक, तो जब मैं हार्मोन पढ़ा रही थी तब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के पेप्टाइड और स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में बताया था। वहां पर मैंने एक बात ये भी बताई थी कि ये जो हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन कैसे हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे ऐसे हार्मोन है जो डायरेक्टली बाइंड करते हैं हमारे साइटोप्लाज्म पे या न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होने वाले रिसेप्टर हैं उन पे, तो ऑब्वियसली बात है ये एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी काम कर सकते हैं। ये इसीलिए एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली क्रॉस कर जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे, न्यूक्लियस में पहुंचेंगे, तो ये एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। लेकिन इनमें टाइम क्यों लगता है, पेप्टाइड हार्मोन में डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन, वहीं पर स्टीरॉइड हार्मोन की बात करें तो सेल्यूलर रिस्पॉन्स थोड़ा डिले होता है, क्यों? तो क्या स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को शो करते हैं? तो ये तो एकदम गड़बड़ स्टेटमेंट है, उसे आप कॉमन सेंस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे। वो कैसे, मैं बताती हूँ। जब भी हम लाइगेंड और रिसेप्टर की बात करते हैं तो नॉन स्पेसिफिसिटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर लाइगेंड के साथ ही बाइंड करता है, क्योंकि ये लॉक की जैसा कंसेप्ट होता है। अगर आप ये सोचें कि रिसेप्टर कोई दूसरा है और उससे कोई दूसरे शेप का लाइगेंड बाइंड करे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है या नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिसेप्टर और लाइगेंड जो है वो हाईली स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये क्या होता है कि जो स्टेरॉइड हार्मोन होता है एक्ट थ्रू रिसेप्टर विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, अगर आपको यही पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो आपके एक तरीके के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू भी आपका जो एक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड जो आपका ऑप्शन है, आंसर जो है वो बी ही है। थर्ड ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, जो सेल है उसमें जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैं आर डोरमेंट इन नेचर, तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। फिर इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, जो पेप्टाइड हॉर्मोन है आर नॉट ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइल द स्टेरॉइड हॉर्मोन जो है वो, तो ये स्टेटमेंट सही है कि जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके सेल रिसेप्टर पे बाइंड करती है, वो ट्रांसफर नहीं करते आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वहीं पर स्टीरॉयड हॉर्मोन करते हैं, लेकिन उनका सेल्यूलर रिस्पॉन्स को डिले या जल्दी करने में कोई ऐसा रोल नहीं होता। अगर सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज जो है वो डिले हो रहे हैं, तो उसका रीजन जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्शन, जो आपके स्टीरॉयड हॉर्मोन होते हैं एक्ट थ्रू अ रिसेप्टर विच इज आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मतलब जो आपके रिसेप्टर्स हैं जिनके थ्रू आपके स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं। उसी वजह से जो है आपका स्टेरॉइड हार्मोन का सेलुलर रिस्पॉन्स डिले होता है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ये पढ़ने के लिए जो मैंने आपको समझाया है वो उसी तरीके का है, लेकिन अगर आपको बाई चांस कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सेकेंड ये क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेसिक, और ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी का, जिसमें क्या पूछा गया है कि जो इंसेक्ट है उसके पास क्या होता है, ट्रेकिया सिस्टम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, बिल्कुल। लेकिन ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो टिश्यू तक जो सेल्स हैं उनका तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है? तो यहाँ पर क्या कोई फाइन ब्रांचेस होती है एयर ट्यूब की, जो क्या करती है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाती है, या फिर यहाँ पर कोई लिक्विड फिल होता है, या पर यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो मायोग्लोबिन को प्रोड्यूस करती हैं, या कोई स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है? आप देखिए, इंसेक्ट की बात हो रही है, मतलब इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है, कंपेरेटिव फिजियोलॉजी में मैंने बिल्कुल आपको कंपेयर करके बताया है कि फाइलम बाई फाइलम किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वेरी करता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखें, तो पहली चीज, अगर आप बुक लंग के स्ट्रक्चर या फिर जो आपका ट्रेकियल सिस्टम है उसको देखेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो वहां पर कुछ थिन फाइन ब्रांचेस होती हैं एयर ट्यूब की, जो बेसिकली हर एक सेल्स में डिस्पर्स्ड होती हैं और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती हैं। यहाँ पर कोई लिक्विड फिल्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, और ना ही यहाँ पर मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन बेसिकली क्या है, तो मसल से रिलेटेड है। हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन से होता है, और क्या कोई स्पेशलाइज्ड फ्रेगमेंट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तो आपके ये इनवर्टिंग ब्रिड्स की बात हो रही। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है वो सही है, या जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, और ये इसका एक्सप्लेनेशन जिसे आप पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जरा इसको सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनडायरेक्टली या फिर जो इनकरेक्ट पेयरिंग है उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन जो है एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें हार्मोन और उनके फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो मेलाटोनिन बिल्कुल आपकी बायोलॉजिकल रिदम या सरकाडियक रिदम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पीनियल ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। ग्लूकागॉन जो है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होने वाली अल्फा सेल्स के थ्रू सिक्रेट होता है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है बिल्कुल, जो आपके मिल्क सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला आपका कैल्सीटोसिन हार्मोन जो सी सेल से सिक्रेट होता है, उसका फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना, और ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है और जो वोन्स हैं उनमें कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, और इसके एंटागोनिस्टिक हार्मोन काम करता है, दैट इज कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथ हार्मोन जिसे कहते हैं। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रिएट होता है, जो इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, मतलब पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। कैसे? क्योंकि ये बोन में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, बोन से कैल्शियम को क्या करता है, डिटैच कराता है, और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन कैल्सिटोसिन डिक्रीज करता है और बोन्स में जो है कैल्शियम को लेके जाता है, और बोन्स में कैल्शियम को बढ़ाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन डी है वो गलत है, क्योंकि तो कैल्सिटोसिन इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, और ये अगेन इसका एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन फोर है, जरा इसको एक बार सॉल्व करिए। अब देखिए, इस तरीके की ये जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन हो तभी आप कर पाओगे, अगर आप थोड़ा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको समझाती हूँ। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब बर्थ कंट्रोल करनी रहती है, तो बर्थ कंट्रोल करने के लिए या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्शन हैं जो बनाए गए हैं, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं? वो आप फीमेल्स में जो ओविलेशन है उसको अरेस्ट करेंगे, या जो फर्टिलाइजेशन रहेगा एग का उसको प्रिवेंट कर लेंगे। मतलब ये है कि चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी से प्रिवेंट होने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उनके फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो ओविलेशन को अरेस्ट कर दें, मतलब जो ओवम का रिलीज है ओवरी से उसको ना होने दें, या दूसरा क्या करें कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो स्पर्म और एग दोनों आपस में मिलके जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी उसको प्रिवेंट कर दें।
क्या है कि सम ऑफ द फॉर्मुलेशन, तो इस तरीके से ये दोनों जो फॉर्मुलेशन है ये किए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन फॉर्मुलेशन के लिए। तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के बारे में ज्यादा नहीं आइडिया है, ना हमें फॉर्मुलेशन के बारे में पता है किस तरीके से उनका फॉर्मुलेशन हो रहा है, कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर आपने इतना ही पढ़ा है जो मैंने एनिमल फिजियोलॉजी में, ये बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है उससे ये क्वेश्चन अराइज होता है। ये कैसे अराइज हुआ? तो हमें बस ये पता है कि जब भी हम रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करेंगे, जिसमें हमारी दो साइकिल्स आएंगी, एक तो फॉलिकल साइकिल थी, दूसरी हमारी मेंशुअल साइकिल थी, तो जो फॉलिकल साइकिल और मेंशुअल साइकिल की बात करें तो दो हॉर्मोन जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एक तो हमारा प्रोजेस्टेरोन था, दूसरा था हमारा इस्ट्रोजन। तो जो हमारा इस्ट्रोजन था वो बेसिकली क्या करता था, वो ओव्यूलेशन कराता था, वहीं पर जो हमारा प्रोजेस्टेरोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो मायोमेट्रियम की वॉल होती है, जो यूटरस में मायोमेट्रियम की वॉल है, उसमें थिकनेस को प्रोवाइड कराता है। तो अगर आपको इतना ही पता है कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरीके की जो हॉर्मोन है जो फॉलिकल में या फिर मायोमेट्रियम की वॉल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन, तो ये दोनों ही हॉर्मोन को कंट्रोल करके आप एक तरीके का जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन ए है ये एकदम सही है, वहीं पर जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन या एस्ट्रोजन है ये कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन एक अलग लेवल का है, इसका काम क्या होता है, ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर आपका प्रोलेक्टिन है, एस्ट्रोडायोल है, तो प्रोलेक्टिन तो अगेन मिल्क सिक्रेशन के लिए है। तो जब भी आप कॉन्ट्रासेप्शन या फिर प्रेगनेंसी इनहिबिशन की बात करेंगे तो आपके प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, और ये अगेन उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक कोई टिपिकल रिसेप्टर है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके थ्रू ये स्टिमुलस होता है, तो वो कौन सा रिसेप्टर होगा, या इनमें से हमें कौन सा रिसेप्टर है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइगेंड एक्सेप्शन। मतलब ये जो यहाँ पर चार रिसेप्टर दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऐसा रिसेप्टर है जो एक्सेप्शन है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग के लिए, क्योंकि बात क्या पूछी गई है कि एक टिपिकल रिसेप्टर है जो सेंस कर रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्टिमुलाई को, मतलब रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो उस पर बाइंड कौन किस तरीके के लाइगेंड करेंगे, या कौन सा लाइगेंड ऐसा है जो बाइंड नहीं करेगा। तो बाइंड नहीं करेगा वो एस्ट्रोजन होगा। अब एस्ट्रोजन क्यों? क्योंकि ये हॉर्मोन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं वो आपके बाइंड करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये एस्ट्रोजन जो है स्टीरॉइड हार्मोन है जो आपका साइटोप्लाज्म या इसके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होंगे, सेल सरफेस पे इसके रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट होते। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है, और अगेन ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन, जरा इसको सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी सेंसरी बायोलॉजी में आई फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जहां पर केवल इतना पूछा गया है कि जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है, जब भी आप आई के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपकी रेटिना और जो आपकी कोरोइड है जहां से आपकी पूरी जो नर्व्स है वो बाहर की तरफ निकलती है, मतलब जो आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है वहां पर आपका एक स्पॉट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये जो है रेटिना में इज ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये किस वजह से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जहां पर ऑप्टिकल नर्व जो है वो लीव करती है फ्रॉम रेटिना। जब मैं आपको सेंसरी फिजियोलॉजी में आई फिजियोलॉजी बता रही थी तब मैंने वहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको ब्लाइंड स्पॉट का बताया, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस लेक्चर को खोलिए और उस इमेज को देख लीजिए, वहां पर ब्लाइंड स्पॉट के अलावा बहुत सारे और भी पार्ट हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। तो ये वहीं का ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर है।
अब मैंने वो यहाँ पे क्यों स्ट्रक्चर मेंशन नहीं करा, क्योंकि अब थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करें, और एक बार अगर पढ़ लिया है, पलट के नहीं देखना है, तो एक बार जरूर उन सारे नोट्स को पलट के देखिए, और ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर पलट के देखिएगा नोट्स को। ये 7th क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है, जो आपका कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल, और ये सिंथेसाइज होता है आपकी प्लेसेंटा से, लेकिन ये किसकी प्लेसेंटा से, कैटल की, पिक की, माइस की, या ह्यूमन की? तो जब भी हम कोरियो आपका कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की बात करते हैं, जिसे एचसीजी भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, तो ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, कई बार इसे कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है, जो प्लेसेंटा में आपकी कोरियोन मेम्ब्रेन होती है वहां से इसका सिक्रेशन होता है, तो ये आपका ह्यूमन में जो है प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उसको जरा सॉल्व करिए। ये अगेन जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, इसमें बस होता क्या है कि कहानी लिखी होती है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट टाइप बता देते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। अगर आपको एक छोटा सा भी कंसेप्ट पता है तो आप इसको रिजोल्व कर लेंगे। कैसे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत से ऐसे एनिमल हैं और बहुत से ऐसे बर्ड हैं, करते क्या है कि जो डे लाइट होती है, दिन का जो समय होता है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग जो सीजनल ब्रीदिंग होती है, उसके लिए ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मतलब अब दिन डे लाइट की बात हो रही है, मतलब क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा, जैसे हम मेलाटोनिन की बात करें, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, तो होगा क्या कि सीजनल ब्रीदिंग एनिमल जैसे आपके बर्ड है या वो, तो ये क्या करेंगे, ये मेजर करेंगे डे लाइट को, जैसे आपका फोटो पीरियड, ये डे लाइट के बारे में ये मेजर करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, टू प्रिपेयर देम सेल्फ फॉर ब्रीडिंग। बिसाइड द मेलाटोनिन, कोई ऐसा और भी हार्मोन है क्या जो इस तरीके की बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम करेगा? इसका मतलब ये है कि जैसे मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, ये सर्काडियक रिदम या जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके लिए मेंटेन करता है, डे और लाइट को, डार्क लाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, इसीलिए हम देखते हैं कि डे के टाइम में मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन या सिक्रेशन कम होता है, एट द सेम टाइम जब लाइट कम हुई या फिर जब रात्रि का या रात का समय होता है तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, उसी वजह से रात में हमें ज्यादा नींद आती है, दिन में हमें कम नींद आती है। तो जैसे कि आपका मेलाटोनिन है जो डे नाइट या फिर जो आपकी लेंथ है, डे लेंथ है, उसका डिफरेंशिएट करता है, क्या उसके अलावा भी कोई ऐसा हार्मोन है जो इस तरीके का फंक्शन करता है? तो ऑप्शन है आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका आपको बहुत अच्छे से फंक्शन पता है कि रिलीजिंग हार्मोन है, मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और पिट्यूटरी पे जाके हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा, इसका कोई इफेक्टर काम नहीं, ऐसा नहीं है। इसका काम क्या है कि दूसरे हार्मोन को स्टिमुलेट कराना, ये कभी डे लाइट नाइन या फिर जो आपका फाइनल आउटकम है उस पे काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा दूसरे हार्मोन के सेक्रेशन को। दूसरा जो है ग्रोथ हार्मोन, ये तो सीधा ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका डे लाइट मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। थर्ड है आपका थायरोक्सिन एंड फोर्थ है आपका एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो थायरोक्सिन ऐसा आपका हार्मोन है जो थायराइड से होता है, सिक्रेट होता है, जो आपके डे लाइट मेजरमेंट में काम करता है, वहीं पर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो अगेन उसका काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को, स्पेशली एड्रीनल कॉर्टेक्स को, फॉर द सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो ये आंसर है, थर्ड आंसर जो है इसका एकदम करेक्ट। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आप एक्शन पोटेंशियल से आप इसको मान सकते हैं, नर्वस सिस्टम का ये क्वेश्चन, जहां पर ये माना गया है कि, यह कहा गया है, जो नर्व इम्पल्स है जब वो फाइनली आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे जाती है, एक आपका ये न्यूरॉन सेल्स है, दूसरा ये न्यूरॉन सेल्स की एंडिंग है जिसे साइनेप्स कहा गया है, तो
आपकी प्री साइनेप्सी कुछ ऐसे एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल सिक्रेट होंगे, तो जब ये सिक्रेट होते हैं तो ये सिक्रेट होते हैं आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, लेकिन वहां पर डिग्रेडेशन होता है आपका एसिटाइलकोलाइन का, एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज के थ्रू। तो ये जो डिग्रेडेशन है ये कहाँ होगा, तो जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोथ प्री साइनेप्टिक या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो इसको जरा याद रखिए कि जो आपकी पहली न्यूरॉन सेल्स होगी जो सिक्रेट करेगी एसिटाइलकोलाइन का, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्री साइनेप्टिक जो है वो आपका सिक्रेशन करती है, और पोस्ट साइनेप्टिक उसी सिक्रेटरी एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, या उस यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो बाइंडिंग हो जाएगा आपका एसिटाइलकोलाइन मॉलिक्यूल का, और ये जो कोलाइन मॉलिक्यूल है ये रिलीज किए जाते हैं आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। लेकिन इनका डिग्रेडेशन जो है, जब ये बाइंड कर जाते हैं यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तब जाके एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज इनको डिग्रेड करता है। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर इसका सही है, मतलब सिक्रेशन होगा प्री साइनेप्टिक जो सेल है या मेम्ब्रेन है वहां से, जो इसका सिक्रेशन किस स्पेस में होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, बाइंडिंग होगी पोस्ट में, और वही इसका डिग्रेडेशन होता है। तो ये इसका आंसर है, और फिर तो इसका एक्सप्लेनेशन है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक और हमारा क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब आप बायोमोलिक्यूल स्पेशली हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने इसको क्वेश्चन को इसीलिए बता दिया है क्योंकि कोई स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन मेरे लिए भेजा था और आंसर पूछा था, उस समय मैंने बताया था, लेकिन शायद उन्हें समझ में नहीं आया, तो अब वो समझ सकते हैं तो क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल है, ठीक, जहां पर मतलब ए बी सी डी जो है, यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स है जहां पर ऑक्सीजन डिपेंडेंट उनकी लोकेशन। देखो इसको सिंपल ये समझिए कि ये कोई ग्राफ है, यहाँ पर आपका एक एक्सिस है और दूसरा आपका ये बाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो आपका जो बाई एक्सिस है वहां पर आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, और यहाँ पर सेचुरेशन को मेंशन किया गया है, ठीक। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर ए बी और सी जो है उनको आइडेंटिफाई करिए। तो पहला तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि अगर आपको इतना ही पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो आपका सिग्मोइडल कर्व बनाता है, वहीं पर जो आपका मायोग्लोबिन है वो बनाता है हाइपरबोलिक कर्व। तो आप ये देखिए, ये दोनों कर्व आपके सिग्मोइडल है, एक ये और एक ये। तो अगर बी और सी आपके सिग्मोइडल है, मतलब ये डेफिनेटली हीमोग्लोबिन होंगे, वहीं पर जो आपका कर्व ए है वो आपका क्या है, हाइपरबोलिक कर्व है, तो मतलब वो मायोग्लोबिन है। तो ये इसी से हमें आइडेंटिफाई कर लेना था कि जो हमारा ए है वो हाइपरबोलिक कर्व है, मतलब वो मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन जो है वो आपका होगा डी ऑप्शन में फर्स्ट, मतलब ए होगा हमारा मायोग्लोबिन, बी और सी हमारे हीमोग्लोबिन है, लेकिन कौन से हीमोग्लोबिन होंगे, फीटल हीमोग्लोबिन होगा या फिर आपका होगा एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है वो हमें पता है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसके पास ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि वहां पर चेन कौन सी होती है, अल्फा और गामा, वहां बीटा चेन नहीं प्रेजेंट होती। तो आप इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर की आप बात करें तो एट द पार्शियल प्रेशर 0 से लेके 10 के बीच में, मतलब आप इसको मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 5, तो एट द पार्शियल प्रेशर 5 पर भी हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो फुल्ली सेचुरेटेड है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर आप 7 to 8 मान लीजिए, तो एट द पार्शियल प्रेशर 7 to 8 उतनी ही अमाउंट में हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हुआ, मतलब एक ऐसा है कि सेचुरेशन दोनों में सिमिलर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पार्शियल प्रेशर अलग अलग है। बी में कम पार्शियल प्रेशर है जिसे आप एक रेंज में मान सकते हैं 5 to 6, वहीं पर अगर आप सी की बात करें तो थोड़ा सा जो कर्व है वो राइट हैंड साइड की तरफ आया है, मतलब पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा यहाँ बढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये बी के लिए है, ये सी के लिए है।
तरीके से जो आपका बी है वो बिल्कुल फीटल हिमोग्लोबिन होगा, क्योंकि वो कम पार्शियल प्रेशर पे ही हिमोग्लोबिन को सैचुरेट कर सकता है। वहीं पर आपका जो सी है वो एडल्ट हिमोग्लोबिन होगा, वहां पर आपका फीटल हिमोग्लोबिन की तुलना में जो आपका एडल्ट हिमोग्लोबिन होता है वहां पर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बढ़ता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। और सिंपली अगर आपको यही पता है कि हीमोग्लोबिन में सिग्मोइडल कर्व होगा, मायोग्लोबिन में हाइपरबोलिक कर्व होगा, तो उस कर्व को देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो डी है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बेसिक और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई हॉर्मोन है एस्ट्राडायोल, अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हैं तो होता क्या है कि ओवेरियन फॉलिकल से जो ओव्यूलेशन के पहले हुआ है कुछ फेरामोन जो है वो सिक्रेट हो रहा है। मतलब अगर आप इस हार्मोन को E2 हार्मोन को इंक्रीज करते हैं तो ये जो फेरामोन है इनका सिक्रेशन भी जो है वो ज्यादा हो रहा है, ये एक कोई हाइपोथेसिस दी गई। अब दूसरी चीज क्या कही गई है, जब इसका फेरामोन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो जो फीमेल थी टुवर्ड्स मेल ज्यादा एक्टिवेट हुई है फॉर मेटिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एस्ट्राडायोल जो आपका E2 हार्मोन है उसको इंक्रीज करेंगे तो ओवेरियन फॉलिकल से जो सिंथेसाइज हो रहा था, जो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो आपके कुछ फेरामोन के सिक्रेशन को भी इंड्यूस कर रहा है। और ये जो फेरामोन है उस फीमेल को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहे हैं या अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं टूवर्ड्स मेल मेटिंग के लिए। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जहां पर कुछ शीप लिए गए, स्पेशली फीमेल, जिन फीमेल्स को क्या करा गया, गोनेक्टो, यहाँ पर उनके गोनेट्स जो थे गेनेक्टोमाइज किया गया, बेसिकली जो उनके गोनेट्स थे उनको रिमूव किया गया। और आफ्टर रिमूवल उसी फीमेल को ट्रीट किया गया E2 से और व्हीकल से। व्हीकल ये कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर E2 एक हॉर्मोन है, हॉर्मोन को ऑब्वियसली डिजोल्व करके दिया गया होगा, तो जिस भी कंपाउंड में इसको डिजोल्व करके दिया तो वो व्हीकल है, ट्रीट किया गया। ट्रीट करने के बाद इनको ब्रीडिंग के लिए जो है वो अलाउ किया गया। तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो करेक्ट होगी? क्वेश्चन ये पहले ही बता दिया गया है कि जो E2 हॉर्मोन है वो क्या करता है कि इंक्रीज करता है कुछ ऐसे फेरामोन को जो एक फीमेल को एक्टिव कर रहे हैं फॉर मीटिंग, ठीक है। तो दूसरे में क्या किया गया है कि भाई ठीक है, ये तो उनने इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर उनने ये कहा कि कुछ शीप ली गई जहां से गोनेट को टोटल रिमूव कर दिया गया और केवल इंजेक्ट किया गया E2। बहुत सी ऐसी शीप थी जिनमें इंजेक्ट किया गया व्हीकल, तो इनमें से कौन सा आउटकम हो सकता है? तो पहला आउटकम है कि जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी होगी बेसिकली वो कैसी होगी, कि व्हीकल जहां पर दिया गया है उसमें रीगेन होगी, मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही गोनेट्स को रिमूव किया गया था और व्हीकल कुछ ऐसी शीप थी जिनको केवल व्हीकल दिया गया है, वहां पर क्या ये सेक्सुअली री एक्टिव हो जाएंगी? दूसरा ऑप्शन है कि बहुत सी फीमेल शीप फीमेल ऐसी थी जिन्हें E2 से ट्रीट किया गया और वो आपकी जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी थी उसको रीगेन करेंगी। थर्ड ऑप्शन क्या बता रहा है कि सेक्सुअल रिसेप्टिविटी वॉज रीगेन्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ E2 ट्रीटमेंट। और फोर्थ अगेन बता रहा है कि जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी है वो गेन नहीं की जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल बी आपका सही है। बी इसलिए सही है क्योंकि जब पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि जो E2 हॉर्मोन है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी फीमेल को एक्टिवेट करने के लिए, मैटिंग के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसी शीप फीमेल जिन्हें E2 दिया गया होगा वो एक्टिवेट होंगी। व्हीकल में कोई एक्टिवेशन नहीं होगा और ऐसा होगा ही नहीं कि वो एक्टिवेट ना हो। अगेन ये उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है,
तो वर्टिब्रेट्स में स्ट्रक्चर और फंक्शंस, अगर आप नेफ्रोन्स की बात करें तो ये आपके सीधे लिंक्ड होते हैं ऑस्मो रेगुलरिटी से। मतलब कोई अगर एनिमल है वो कहाँ रह रहा है, उसमें एक्सक्रीशन किस तरीके से हो रहा है, तो जो आपके नेफ्रोन से उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन वो वेरी करते हैं। तो ऑप्शन आपसे ये पूछा गया है कि अगर कोई एनिमल है जो आपका डिजर्ट्स में प्रेजेंट है, तो उसमें किस तरीके का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है उसके जो जैसे लूप ऑफ एमले है या जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। तो ये चीज हमें बिल्कुल पता है, अगर हम वर्टिब्रेट में बात करें तो एक्सक्रीशन के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का करते हैं, यूरिक एसिड का करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, एक चीज। उसके अलावा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो भी वेरी करता है। तो मैमल कहाँ डिजर्ट में है, डिजर्ट में है मतलब ये लेस एक्सक्रीशन करेंगे आपके वाटर का, तो जो यूरिन है तरीके की होगी। यूरिन आपकी हाइपर ऑस्मोटिक होगी, मतलब जहां पर आपके पानी या फिर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा और बाकी जो आपके एक्सक्रीशन होंगे बहुत ज्यादा होंगे। तो सबसे पहला है कि लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, तो बिल्कुल ये जो आपका आंसर है फर्स्ट सही है, क्योंकि वाटर का रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा कराना है तो लूप ऑफ हेनले में ही वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। तो जितना ज्यादा लूप ऑफ हेनले का स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा रीअब्सॉर्प्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन इसके एंटागोन कॉन्ट्राडिक्ट्री है, तो ये तो गलत ही होगा। हाइपर ऑस्मोटिक, बिल्कुल यूरिन जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक होगी, जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, एक्सक्रेटरी एलिमेंट्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एक्सक्रेटरी एलिमेंट ज्यादा होंगे। लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन होगा क्या, नहीं ये एकदम गड़बड़ है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एज यूरिक एसिड, नहीं यूरिक एसिड जो है वो आपके ब्लड में होता है स्पेशल। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड थर्ड, हाँ ऑप्शन वन में ही, तो आपका आंसर जो है वो वन होगा और ये आपका एक्सप्लेनेशन। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अगेन कंपैरेटिव फिजियोलॉजी का है, कि जो ऑस्कुलम है वो किसका एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, तो वो आपके स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED, एजुकेटिंग WED, एजुकेटिंग इंडिया।